हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस पाई दिवाकर। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है कि हो सकता है कि कॉलेज व्याख्याता का विज्ञापन ये रद्द होके दोबारा से विज्ञापन आए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है, ऑर्डर किया है कमीशन को कि क्यों ना जो है दोबारा विज्ञापन जो है जारी करके नए सिरे से फॉर्म भराए जाएँ। और या यदि रद्द नहीं होता है तो इसकी परीक्षाएं कब तक संभावित हैं? क्या जैसे ये आपका कमीशन ने अक्टूबर में ही मेंशन कर रखा था कि संभावित तिथि अक्टूबर है, क्योंकि राजस्थान में आपका नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस वजह से क्या है कि अब इतनी जल्दी जो है ये एग्ज़ाम कराना, 1 तारीख को आपका RAS का एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या संभावनाएँ बन सकती हैं क्या नहीं, इन सभी संभावनाओं पर बात करेंगे। इससे पहले जो अपना दूसरा चैनल है वो स्टडी PYQ करके है। अब स्टडी PYQ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे TGT का आपका 10 सालों का साल वो हमने अवेलेबल करा दिया है, राजस्थान का भी एक पार्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, राजस्थान कॉलेज व्याख्याता का। इसके अलावा भी TGT का, PGT का चल रहा है, PGT यानी कि 2021 का साल हो चुका है, 2016 भी मिल गया आपको, 2013 भी मिल गया, अभी 2011 का चल रहा है, ठीक है। और ये आपका ऐसे 11 के बाद 9 का आ जाएगा, फिर आपका ऐसे 2000 से लेके 2021 तक के टोटल साल यहाँ पे होंगे। इसके अलावा अभी UGC नेट का भी साल इस पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको करना क्या है, स्टडी PYQ यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए, जाके वहाँ पे जाके आप ये पूरा वीडियो देखिए और पूरा ये जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पे सॉल्व उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि यदि जैसे PGT में 125 प्रश्न है तो PGT में 125 प्रश्नों का सॉल्व जब आप पढ़ेंगे डिटेल्ड में, तो इससे रिलेटेड जैसे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान के चलिए कि 100 आ रहे हैं तो 50 से 60 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर से ही रिलेट करेंगे, यानी कि इस एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए कुछ पूछ दिया गया तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ से आपका वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। यानी कि अब तक जो लगभग जो है यहाँ पे आपका 2000 के समथिंग जो है प्रश्न आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो उसको आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी लगभग 250 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप EMRS का यानी एकलव्य मॉडल स्कूल का PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की, KVS, नवोदय, दिल्ली SSB, ठीक है, या RPSC फर्स्ट ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, चूँकि ज्योग्राफी का सिलेबस लगभग इसी के आसपास भारी करता है, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे 20 से 30% तो आपका वहाँ से रहेगा ही, ठीक है। अब मैं पहले ये बात कर लूँ जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो मामला ये हाईकोर्ट में गया था, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से 2030 से, अब ये देखिए आपका 18 का ही न्यूज है यानी कल का, कि SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी, अभी न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं दिखा दूँगा, तो यहाँ पर आपका कि तय सीटें आरक्षित नहीं रखने का जवाब तलब जो हाईकोर्ट में मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव कॉलेज शिक्षा निदेशक यानी डायरेक्टर को भी RPSC सचिव को नोटिस जारी किया गया है। और हाईकोर्ट ने उसमें पूछा है क्यों ना भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए जाएँ। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में ये आदेश दिया गया है और ये जिन्होंने रिट कर रखा था, डॉक्टर राहुल मौर्या नाम है इनका और इनके साथ अन्य लोगों ने ये रिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने इनकी बहस की थी। अब यही चीज़ आपका देखिए वो तो आपका न्यूज़ वालों ने दे रखा था, अब ये आपका पेपर में है जो आपके वहीं से ही एक स्टूडेंट हैं गिरधर जी जिन्होंने शेयर किया था। तो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में जो SC ST के लिए तय आरक्षण का अनुपात था उसमें जो एग्जैक्ट सीटें दी गई थी, ठीक है, इसमें अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है, यानी कि अब इनको मौका दिया गया कि भाई आप जो है इसका कारण सहित यहाँ पे सबमिशन करें, ठीक है, अपना पक्ष रखें, और यदि आप पक्ष नहीं रख पाते हैं तो उसने पूछा कि सचिव से कि क्यों ना भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द कर आप नए सिरे से विज्ञापन जारी किए करें जिसमें SC ST के लिए उतना तय सीटों के अनुसार आरक्षण प्रदान करें, ठीक है। तो जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिया और यहाँ पे देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 22 जून को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान सहित कुल 48 विषयों के
असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली थी। याचिका में कहा गया कि आरक्षण नियमों के तहत प्रदेश की सरकारी सेवाओं में एसटी वर्ग को 12 और एससी को 16 फीसदी आरक्षण ही दिया जा रहा है। इसके बावजूद इस भर्ती में आरपीएससी ने आरक्षण नियमों की अवहेलना की है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना और रोस्टर पॉइंट को भी लागू नहीं किया गया है। वहीं इस भर्ती में भौतिक विज्ञान के कुल 60 पदों में आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में आरक्षण नियमों के तहत एसटी के लिए 8 और एससी के लिए 10 जो है ये आरक्षित होने चाहिए थे, जबकि आयोग ने एसटी के लिए 1 और एससी वर्ग के लिए 2 ही पद जो है ये आरक्षित किए थे। याचिका में यह भी कहा गया कि जो बैकलॉग पद हैं ये भी आपका भर्ती में रिक्त चल रहे थे, तो उसको क्यों नहीं जोड़ा गया है। तो ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना भी है। जाहिर सी बात है कि भाई जिस अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया आपको उसी अनुपात में मिलना चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ आरक्षण के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया और ये गलत भी चीज़ें हैं कि भाई जिसका जितना अधिकार है वो मिलना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करें कि इसके एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम की हम लोग यदि बात करें तो एग्ज़ाम में देखिए आपका अभी चूँकि नवंबर में क्या है कि आपका राजस्थान में इलेक्शन है, अभी तक इन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं की और नोटिस जो आई है वो 48 विषयों वाली। अब सोचिए कि लोग कितना जो है इसका दुष्प्रयोग करते हैं कि आप वहाँ भी फ्री में आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए दे दिया, तो इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ लोगों ने 48, कुछ 40 के आसपास जो 50 कुछ, तो लगभग ये थोड़े नहीं हैं, कम से कम 30 से 40 लोग से ऊपर ही होंगे जो इतने ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो इससे समस्या क्या होती है, इसी वजह से क्या होता है एग्ज़ाम कराने में समस्या आती है कि भाई जिस बंदे का 48 विषय में जो है इसने अप्लाई कर रखा है, अब 48 विषय में वो पीजी होना चाहिए तभी तो अप्लाई करे, या पीजी जो है वो अपीयरिंग हो तब अप्लाई करे, लेकिन अब इसमें 48 विषय में कोई पीजी थोड़ी ना हो सकता है। तो ये सब जो है इसका दुष्प्रयोग किया गया कि जो फ्री की चीज़ें उपलब्ध कराई गई, फ्री में फॉर्म अप्लाई कर लिए, तो उसकी वजह से जो है इन्होंने 48 कर लिया। अब इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये 23 सितंबर तक जो है कमीशन के द्वारा डेट दी गई है, अगर ये अपना जो है पक्ष नहीं रखते हैं तो इनके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी वजह से और भी समस्याएं होती हैं कि जैसे आप शेड्यूल जब मेंटेन करते हैं, अब मान लीजिए 2 से 3 लोग 2 विषयों में आपका नेट पास हो सकते हैं, 2 विषयों में पीजी हो सकते हैं, मान लीजिए 3 विषयों में पीजी कर लिया उन्होंने, 3 विषय से नेट हो गए, अब कोई 48 में तो होगा नहीं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है उनको शेड्यूल मेंटेन करने में कि भाई ताकि एक बंदे का जो 2 विषय में फॉर्म अप्लाई किया उसका दोनों एग्ज़ाम छूटे ना। जैसे मान लीजिए किसका ज्योग्राफी है, किसी ने ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी का भी भर रखा है, वो पॉलिटी में भी नेट है या मास्टर डिग्री है। ठीक, तो अब क्या है कि कमीशन यही कोशिश करता है कि ताकि दोनों जो है एक साथ एग्ज़ाम ना पढ़ें, अब एक साथ पढ़ेंगे तो उसका एक छूट जाएगा, तो इसीलिए वो ये कोशिश करता है। अब इसमें 48 की वजह से क्या होता है और भी समस्याएँ होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जवाब उनको देने के लिए मौका रखा गया, इसमें देखिए एसटी वर्ग को 12% और एससी को 16% ही आरक्षण का लाभ दिया गया है। ठीक है, तो वही ये सारी चीज़ें थी जिस पे मुद्दे पे हम लोग बात करना चाह रहे थे। और इसके अलावा देखिए जो आपका ये चैनल चल रहा है ऑनलाइन जीएस पाई दिवाकर, ये तो आपका प्रॉपर चलता ही रहेगा। इस पे जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का आरपीएससी का, और अभी मैं इसमें आपका यूनिट वाइज जो है साल करा रहा था, अभी परिवहन भूगोल का हो चुका है और प्रादेशिक नियोजन का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो वो अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी। तो कोशिश यही है कि आरपीएससी का जितना यूनिट है हर एक यूनिट से आपका जो 2 पेपर हुए हैं पिछले 2014 वाले और 20 वाले, इन दोनों पेपरों में अलग अलग आपको सॉल्व कराने का है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में किस तरह के आपका यहाँ पे पूछे गए हैं आरपीएससी में। इससे क्या है कि आप एक अनुमान लगा लेंगे कि जो पेपर का स्तर है, क्वेश्चन पूछने का स्तर है, यूनिट वाइज में बात कर रहा हूँ कि आप हर एक यूनिट जो पढ़ लिए हैं तो उससे आप इसके स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे जो हम लोग पिड बैच आपका स्टार्ट किए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है जी एस वाई दिवाकर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जाएंगे स्टोर में जाइएगा, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और पूरा फुल बैच भी मिल जाएगा। फुल बैच में ही आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दी जाएगी। फुल बैच में क्या है कि हर एक टॉपिक पे आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी देखिए उसमें आपका रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं हुआ है और आपका राजस्थान की स्पेशल ज्योग्राफी नहीं हुई है।
ठीक, और सब पे ऑलमोस्ट उसमें पीडीएफ है। जैसे आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि परिवहन भूगोल से, तो परिवहन भूगोल में वहाँ पे जितना चीज़ें अपलोड की गई हैं, इसके अलावा भी आपका जो है कुछ और पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो बस उतना ही आप पढ़ेंगे, उसी से प्रश्न आ जाएगा। क्योंकि आप परिवहन भूगोल के जो पूछे गए प्रश्न उसको ध्यान देंगे, तो और भी क्वेश्चन हमने पहले ही आपको करा दिए थे, 10 क्वेश्चन एक बार हमने कराया, उसमें देखिएगा आप जाके चैनल पे, उस 10 से कम 40 से 50 प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाएंगी, और जल्दी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और राजस्थान का स्पेशल ज्योग्राफी भी अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में अभी क्या है कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि 50 ज़िले उन्होंने जो है डिवाइड कर दिए। अब इन 50 ज़िलों का आपको ये भी आंकड़ा देना है कि हर एक ज़िले के बॉर्डर पे कौन से ज़िले पड़ रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन से ज़िले पड़ रहे हैं। अब जैसे गंगानगर को अलग पार्ट में, अनूपगढ़ से गंगानगर और बीकानेर से जो है अनूपगढ़ आपका काट दिया गया है, तो अब अलग अलग 19 जो ज़िले बनाए गए, इन ज़िलों को भी आपको देखना है कि किन ज़िलों से ये अलग किए गए हैं। जैसे आपके 10 मंडल राजस्थान में हैं अभी, ठीक है, पहले 7 थे, तो 3 मंडल जो बढ़ाए गए उन मंडल में कितने ज़िले हैं, उन मंडल का नाम क्या है। तो ज़्यादातर जो आपका राजस्थान ज्योग्राफी स्पेशल से पूछेगा वो आपका यहाँ से पूछ देगा। अब राजस्थान की पॉलिटी भी, अब जीएस में भी यानी जीके का जो 100 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, राजस्थान जीके जिसमें रहेगा, वहाँ पे भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी वालों के लिए थोड़ा सा ये फ़ायदा रहेगा, ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है, कि उनका जो राजस्थान का जीके हो गया उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपका ज्योग्राफी से मिल जाएगा। जैसे झील वगैरह भी पूछे जाएंगे, मेले हो गए, मेले भी आपका वहाँ पे भी फर्स्ट में भी रहना है और आपके ज्योग्राफी में भी रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कराई जाएंगी, और जल्दी YouTube पे भी कोशिश यही की जा रही है कि आपको इसका जो 50 ज़िले हैं उसका पूरा डिटेल्ड अवेलेबल कराया जाए। क्योंकि कमीशन के द्वारा दिया तो गया है, लेकिन उनके द्वारा जो मैप प्रोवाइड कराया गया है 50 ज़िलों का, वो आपका फुल क्वालिटी में है नहीं। तो जब आप उसको जूम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ज़िले ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को डिजिटाइज करके हम आपको जो है थोड़ा अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही है, और ये आपका यूट्यूब पर ही मिल जाएगा जो 50 ज़िलों का, उसका पूरा डिटेल्ड, कौन सा ज़िला किससे अलग हो के बना है, ठीक, कौन सा मंडल बना है, मंडल या संभाग, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है यहीं तक रहेगा। तो एक बार फिर से जो है आपके लिए यही कि जो स्टडी PYQ चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ठीक है, अपने जितने भी मित्रों उनको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका होने वाला है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा PYQ कराया जाएगा, ठीक। जैसा कि हमने टारगेट रखा है कि 10,000 प्रश्नों का, लेकिन 10,000 से भी अधिक प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए आपका UP का TGT हमने सॉल्व कराया, PGT सॉल्व कराया, झारखंड का भी वहाँ पे हुआ है, ठीक है, झारखंड के प्रैक्टिस सेट भी हैं और नॉर्मल ज्योग्राफी के 5 प्रैक्टिस सेट हैं 50 क्वेश्चन वाले। फिर आगे आपका UGC नेट का भी रहेगा, UGC नेट का 2004 से लेकर 2023 तक के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पेपर वर्क का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जाएगा, राजस्थान, UP, MP, हरियाणा, ठीक, और उत्तराखंड, यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि हाँ उनको रिकमेंड करना है तो। और आगे चल के हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जैसे TGT अभी कम्प्लीट हुआ, इसका एक कम्बाइंड PDF तैयार करके आपका जो एप्लीकेशन है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरह से जैसे ही PGT का टोटल आपका PYQ कंप्लीट होगा उसका भी PDF बना के ऐप पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये एक नई शुरुआत है, ये कैसा आपको लग रहा है, आपका अपना सजेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात आपका RPSC की, तो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि ऐसे ऐसे है, लेकिन देखिए अभी तक जो है 1 तारीख को आपका क्या है कि RAS का एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, अभी भी आप जो है बहुत क्लियर मत रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर में अभी आपके पास जो है इनके पास टाइम है, लेकिन अब एग्ज़ाम कराने में कम से कम 8 से 10 दिन तो लगेंगे ही। किसके एग्ज़ाम? असिस्टेंट प्रोफेसर के। जैसे आप मान लीजिए कि जनरल पेपर 1 दिन कराते हैं सब, तो जनरल पेपर 1 दिन हो गया जितने आर्ट वाले विषय हैं उनके लिए, अब उसके बाद विषय के जो 2 पेपर हैं वो भी तो होंगे, तो 1 दिन का तो ये हो गए, अब टोटल 48 विषय हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि 48 विषय में कुछ लोगों ने 2 विषयों या 3 विषयों में भी डाला होगा, तो उनके 2 दिन होने चाहिए एग्ज़ाम, तो इसी को सेट करने के लिए वो आपका RPSC तभी इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ये जो है इसी महीने 25 से 30 के बीच आपका क्लियर हो जाएगा कि होना है कि नहीं होना, क्योंकि दूसरी जो हियरिंग की डेट है उसमें कोर्ट में आपका जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो मुख्य सचिव हैं और जो RPSC के डायरेक्टर हैं उनको वहाँ पे जवाब तलब किया गया है, कारण बताओ नोटिस भी है कि आप क्लियर करिए, नहीं तो आप दोबारा से विज्ञापन जारी करके SC ST के जो आरक्षित सीटें आपने खा लिया है उसको आप जो है क्लियर करके उसमें बताइएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।